सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज इस वीडियो के अंदर बहुत जरूरी चार अपडेट, जी हां, बहुत जरूरी चार अपडेट, या इनको कह सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इतनी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये अपडेट सुनने के बाद आपको ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, वास्तव में ये काम बहुत ही जल्दी हम सब लोगों को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि हम अब अगले फेज में जाने के लिए बैठे हैं, कंपनी भी अगले फेज में जाने के लिए बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है अभी पूरी ही नहीं हो पा रही है, बहुत सारी चीजें अभी इनकम्प्लीट पड़ी हुई है। हम सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बहुत ज्यादा जो है यूं कह सकते हैं कि शर्म की बात है कि हम अपनी ही खुद की जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। आखिर हम इस कंपनी के अंदर इस समय किस पोजीशन पर हैं? आपको पता है कि हम इस कंपनी के अंदर इस समय किस पोजीशन पर हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं, फाउंडर हैं। आप खुद देखिए कि आप किस पोजीशन पर हैं, आपकी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है। तो इसमें कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। अगले फेज में अगर हमको जितनी जल्दी, हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हम सब लोगों के वॉलेट के अंदर एप्पल्स जनरेट होने लगे, हम चाहते हैं कि ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे, हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की जो लिंक्स वगैरह हैं वो हम सब लोगों के पास जल्दी से जल्दी आ जाए, हम ये चाहते हैं कि हम भी लोगों के साथ इस बिजनेस को शेयर करें, हम चाहते हैं कि इस बिजनेस में बहुत सारे हमारे लिंक के माध्यम से कस्टमर और रीसेलर आए, और हम चाहते हैं कि हमारा जो सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। तो आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जब आपका सपना है, खुद का है, तो उसको कोई दूसरा पूरा नहीं करेगा। जब आपको अपना सपना पूरा करना है तो इसकी जिम्मेदारी भी आपको उठानी पड़ेगी, तो इसके लिए भी आपको ही काम करना पड़ेगा। और कंपनी ने अभी कुछ ज्यादा बड़ा काम नहीं दिया है, सिर्फ छोटे मोटे काम अभी दिए हैं कंपनी ने करने के लिए। अभी हम छोटे मोटे काम नहीं कर पाएंगे तो फिर बड़ा काम आप कैसे करोगे? तो आपको कौन सा काम करना है वो तो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि एक ही मोबाइल से दो आईडी की लिंक को कैसे शेयर कर सकते हैं, एक ही मोबाइल से दो आईडी की लिंक को कैसे शेयर कर सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता होगा। ये मेरे से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं इसका जवाब दे देता हूं। अगर आपके पास एक ही मोबाइल है और आपके पास दो नहीं बल्कि 10 आईडी भी हैं, तब भी आप एक ही फोन से अलग अलग आईडी को, अलग अलग जो भी लिंक आने वाली हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको बस एक ही रूल फॉलो करना है। क्या रूल फॉलो करना है? बस जिस किसी की आपको लिंक शेयर करनी है, सपोज एक व्यक्ति का नाम है अमन और एक व्यक्ति का नाम है चमन, अब ये दो आईडी हो गई आपकी, अमन और चमन। तो पहली आईडी हो गई अमन, तो पहले आपको अपनी अमन वाली आईडी को पूरी तरीके से लॉगिन करना है। जब हमारे पास लिंक आ जाती हैं, हमारे पास लिंक आ जाएंगी, तो आपके पास प्रोडक्ट की भी लिंक होंगी, पैकेज की भी लिंक होंगी, जो भी लिंक्स वगैरह होंगी, तो आप पहले पहली वाली आईडी की लिंक को शेयर कर दें। जहां जहां भी आपको शेयर करना है आप शेयर कर दीजिए। जब इस आईडी का काम पूरी तरीके से खत्म हो जाए तो इसको लॉग आउट कर दीजिए, उसके बाद दूसरी आईडी को ओपन करिए, फिर वहीं जाकर के आप इनकी सारी की सारी लिंक आप शेयर कर दीजिए। इस तरीके से आप एक आईडी से, एक ही मोबाइल से दो तीन चार आईडी, जितनी चाहे उतनी आईडी की आप लिंक शेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट ये है, जो फाउंडर अपना ओ मेल नहीं बना पाए हैं उनको अलग किया जाएगा। जी हाँ, जो लोग अपना ओ मेल नहीं बना पाए हैं, टेक्निकल टीम के द्वारा उनको अलग छांटा जाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका ओ मेल अभी तक नहीं बना है। कंपनी के द्वारा हो सकता है कि आपके पास मेल जाए, कंपनी के द्वारा हो सकता है कि आपके पास कोई ना कोई कॉल आए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब कंपनी आपसे पूछेगी कि भाई आपने अभी तक अपना ओ मेल क्रिएट क्यों नहीं किया है, आफ्टर ऑल आप एक फाउंडर हैं, लेकिन फाउंडर होने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो कैसे भूल सकते हैं। तो यहां पे इस कंडीशन में आपकी फाउंडरशिप रद्द भी हो सकती है, ध्यान रखना आपकी फाउंडरशिप रद्द भी हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना ओ मेल को क्रिएट कर लें।
जितना जल्दी हो सके अपने ओमेल को क्रिएट कर लें, और कंपनी की तरफ से अगर कॉल जाती भी है और उसका कोई भी सेटिस्फेक्शन आप आंसर नहीं दे पाते हो तो आपकी 100% जो है आपकी जो फाउंडरशिप है वो रद्द हो जाएगी फ्री। ये मत कहना कि हमने तो पैसे दिए थे, हमारी फाउंडरशिप कैसे रद्द हो सकती है। तो कंपनी आपके लिए, आपकी भविष्य के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपके बिजनेस को अप करने के लिए बहुत सारे कदम स्टेप बाय स्टेप उठा रही है, आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, अभी भी आप सो रहे हो। अब ये सोने का वक्त नहीं है, ये जागने का वक्त है। इस कर्म के लिए कैसे करूं शुक्रिया अदा, इस कर्म के लिए कैसे करूं मैं शुक्रिया अदा, जो कर्म एस सर ने हमारे ऊपर कर दिया। यानी कि एस सर ने हम सब लोगों के ऊपर एक ऐसा कर्म किया है, एक ऐसी हमें जिम्मेदारी दी है, एक ऐसे सिस्टम से हमें जोड़ दिया है जहां से अब हम कभी भी जो है अपनी लाइफ में दुखी नहीं रह सकते। कभी भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत बहुत सारी जो परेशानियां आती जाती रहती हैं वो बस एक चाय के ऊपर जो एक हल्की सी एक मलाई पड़ जाती है उसके समान ही सारी की सारी परेशानियां हैं। बस एक फूंक में आप अपनी सारी परेशानियों को यहां से दूर कर सकते हो। अब जो तीसरा पॉइंट है वो आपको ध्यान से समझना है और इसको फॉलो भी करना है। जी हाँ, इसको फॉलो भी करना है, इस बात को ध्यान रखना। ये काम हर एक फाउंडर्स की जिम्मेदारी भी है। अभी बहुत सारे लोगों के ओमेल्स नहीं बने हैं और कंपनी ने हम सब लोगों के लिए एक निर्देश दिया हुआ है, कंपनी ने हम सब लोगों के लिए ये बताया है कि आप अपने इकोसिस्टम में जा करके, अपने माई यूजर पैनल में जा करके अपने जितने भी साथी लोग हैं, ब्रांड एम्बेसडर, फाउंडर्स, उन सभी की आप एक बार लिस्ट चेक करें, उसमें आपकी लिस्ट आ रही होगी। जी हाँ, आपके डायरेक्ट में जितने भी साथी लोग हैं उनकी लिस्ट आ रही होगी। अगर आपने डायरेक्ट में किसी भी साथी को इस ऑन पैसिव के अंदर बुलाया है, जी हाँ, आपने अगर किसी भी साथी को अगर इस ऑन पैसिव के अंदर बुलाया है तो उसकी लिस्ट पूरी की पूरी उसके अंदर आ रही होगी। उस लिस्ट में जरा जाकर के देखें कि कहां पर अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है और कहां पर डेट आ रही है। जहां पर अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है वो आपका जो साथी है उसका अभी ओमेल नहीं बना है, उससे कॉन्टेक्ट करें तुरंत। ये कंपनी के द्वारा एक निर्देश दिया गया है, उससे आपको तुरंत अभी के अभी कॉन्टेक्ट करना है। जी हाँ, एक लिस्ट तैयार कीजिए और उस लिस्ट में ईमेल आईडी भी उसके अंदर मेंशन है लेकिन मोबाइल नंबर मेंशन नहीं है। अगर आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर आप कहां से लेके आएंगे? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके टीम के अंदर, अगर आपकी जितने भी साथी लोग हैं उनमें से 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100, 200, 1000, 500 जितने भी लोग हैं, वहां पे आप अपना ईमेल आईडी तो आपको मिल जाएगा लेकिन मोबाइल नंबर नहीं मिलेगा। आप अपने ofounders.net की साइट पे जाएं, अपने बैक ऑफिस में जाएं तो वहां पे आपको एक टीम समरी करके एक टैब मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको डायरेक्ट में आपके जितने भी साथी लोग हैं, जितने भी डायरेक्ट वाले हैं वो सब आपको वहां पे दिखाई देंगे और वहां पे ईमेल आईडी के साथ साथ आपको मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। तो वहां से आप अपना मोबाइल नंबर उनका ले सकते हैं और जिन जिन की आईडी ओमेल आईडी नहीं बनी है वहां से उनको, उनके साथ जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, उनके साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उनसे, इससे पहले कि कंपनी की कॉल उनके पास जाए, जी हाँ, इससे पहले कि कंपनी की कॉल उनके पास जाए, मैं चाहता हूं कि आप अपने आप ही, आपके डायरेक्ट में जितने भी साथी लोग हैं उन सभी को, आपके डायरेक्ट में जितने भी ब्रांड एम्बेसडर फाउंडर्स लोग हैं, आप उनको फटाफट से एक एक कॉल कर लीजिए। ज्यादा लोग हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम निकाल लीजिए कि मुझे आज केवल 10 लोगों को कॉल करना है या मुझे आज केवल 5 लोगों को या 15 लोगों को ये कॉल करनी है, अगर ज्यादा लोग हैं। अगर कम लोग हैं तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके आप इस काम को पूरा कर लीजिए। अगर आपने उनको कॉल करके बताया, जी हाँ ध्यान से सुनना, अगर आपने उनको कॉल करके बताया तो वो भविष्य में आपके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। आप उनको मेल भी छोड़ दीजिए, जी हाँ आप उनको मेल भी छोड़ दीजिए। हमारे उस बैक ऑफिस के अंदर ब्रॉडकास्ट का एक ऑप्शन होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो सभी पे मैसेज एक बार में ही पहुंच जाएगा। एक कॉमन मेल टाइप कर लीजिए आप और सभी पे मेल कर दीजिए, तो इस हिसाब से आप यहां पर उन लोगों को बता पाएंगे। वो भविष्य में आपसे भी नहीं कह पाएंगे कि आप कम से कम हमको एक बार बता देते
एक बार हमको इन्फॉर्मेशन दे देते, याद दिला देते, तो हम अपना वो मेल बना लेते। तो कम से कम आप अपनी छोटी सी जिम्मेदारी को अभी के अभी आप जरूर पूरा करें। तो ये थी आज की हमारी टोटल अपडेट। बस जितना जल्दी हम अपडेट, जितनी जल्दी हम अपनी ओमेल को क्रिएट कर लेंगे, उतनी ही जल्दी हम अगले फेज में हम चले जाएंगे। जी हाँ, उतनी ही जल्दी हम अगले फेज में चले जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। अदरवाइज हम लेट पर लेट हो रहे हैं और हमारा ओ कनेक्ट जो है आने को पूरी तरीके से रेडी है। हमारी लिंक्स भी आने को रेडी हैं, लेकिन इसी वजह से अभी तक हमारे पास ये दोनों चीजें नहीं आ पाई हैं। तो प्लीज इस चीज का आप ध्यान रखें और फटाफट से अपने साथी जितने भी कॉन्टेक्ट में हैं उन सभी को आप एक एक बार कॉल जरूर कर लें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई अपडेट के साथ। विश यू वेल्थ एंड वी आर इन इट टू विन इट।